दोस्तों, आप जानते हैं कि फेसबुक आप पे नजर रख रहा है। आप कहाँ जाते हो, क्या ऑर्डर करते हो, क्या खाते हो, अपने फैमिली के साथ कहाँ जाते हो, तो ये टोटल चीज दोस्तों फेसबुक आप पे नजर रख रहा है। और इसको दोस्तों ये सही बात नहीं है, जब आपका नजर कोई और रखता है तो वो अच्छी बात नहीं है। तो इसको दोस्तों आप लोग अपना फेसबुक ओपन करके इसको जल्द से जल्द हटा लीजिए, क्योंकि जो दोस्तों जब आपका डेटा अगर चोरी होने लगेगा तो वो इसका मिसयूज होने लगता है। या कभी कभी आप देखते होंगे, कोई भी आप सोचते होंगे या सर्च कर रहे होंगे साइड में, तो फेसबुक में डायरेक्टली आ जाता है। तो दोस्तों ये चीज सही नहीं है, और इसको हटाने के लिए दोस्तों कुछ स्टेप आपको करना होगा जो कि आपको फेसबुक में। तो दोस्तों चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दोस्तों जरूर दबाइए कि ऐसी इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो आप तक मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। आपको अपना फेसबुक अकाउंट को यहां पर ही ओपन करना होगा। जस्ट आपको फोन उठाना होगा और फोन उठाकर दोस्तों यहां पर ही आपको फेसबुक को ओपन कर लेना होगा। तो ये रहा हमारा फेसबुक, और दोस्तों आपको भी फेसबुक को ओपन करना है। और ओपन करने के बाद यहां पर राइट साइड में तीन लाइन आपको बना हुआ है, यहां पर ही आप देख सकते हैं तीन लाइन बना हुआ है। तो तीन लाइन दोस्तों यहां पर ही, इसके बाद है आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना होगा और यहां पर ही सेटिंग्स में चले जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद नीचे फिर से सेटिंग्स में जाना होगा, और सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों फिर देखिए यहां पर ही आपको एक्टिविटीज ऑफ, मतलब टोटल एक्टिविटीज आपको देखता है फेसबुक आपके पूरे डेटा को। तो कौन कौन सा एप्लीकेशन है जो कि जब आप लॉगिन करते हैं किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को और ये फेसबुक में लिंक हो जाता है, तो इसको ऑफ कैसे करना है। तो यहां देखिए थर्ड, यहां पर ऑफ करना है एक्टिविटीज को, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहां पर ही आपको कंटिन्यू करना है। अगर आपका पासवर्ड मांगता है तो आप अपना फेसबुक पासवर्ड डाल करके उसको फिर से लॉगिन कर लेना है। तो इसको कंटिन्यू करना है। तो दोस्तों कंटिन्यू करने के बाद यहां पर ही आपको नीचे स्क्रॉल आना है। अगर आपका मोबाइल का मतलब फेसबुक का पासवर्ड मांगता है तो फेसबुक का पासवर्ड को आपको डाल देना है। और डालने के बाद दोस्तों यहां पर ही देखेंगे ना तो क्लियर या डिस्कनेक्ट, यहां पर ही आपको एक मिनट। तो दोस्तों यहां पर ही देखिए, यहां पर ही आपको क्या दिया हुआ, रिसेंट एक्टिविटीज, यहां पर ही रिसेंट एक्टिविटीज। तो दोस्तों यहां पर ही आपको रिटर्न रिसेंट एक्टिविटीज में आपको चले जाना होगा और अपना यहां पर पासवर्ड डाल देना होगा। तो यहां पर हम पासवर्ड डाल देते हैं कि यहां पर ही इसको लॉगिन कर लिया, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर पासवर्ड मांगता है तो पासवर्ड डाल करके आपको उसको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद देखिए यहां पर ही देखिए हमारा कितना सारा एप्लीकेशन है जो कि अभी तक फेसबुक से लिंक किया हुआ है। और दोस्तों ये लिंक करने का मतलब ये होता है कि आप इसको अपना फेसबुक का इंफॉर्मेशन दे रहे हो। बहुत पुराना पुराना है जो कि मैंने अभी तक इसको बहुत पहले यूज किया था, अब यूज नहीं करता हूं, फिर भी इसमें लिंक किया हुआ था। ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो कि आपका जो फेसबुक को एक्सेस कर रहा है। तो इसको हम जाते हैं दोस्तों, देखिए यहां पर ही कोई भी एक एप्लीकेशन, इसको जाते हैं सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहां पर डिस्कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, डिस्कनेक्ट। तो यहां पर इसको डिस्कनेक्ट जाना होगा, कंफर्म कर देना होगा। तो यहां पर ही आपका डिस्कनेक्ट हो गया। तो दोस्तों ये आज ये जो एप्लीकेशन जो आपका एक्सेस कर रहा था आपका डेटा को, टोटल डेटा को, फोटोज वीडियोस टोटल चीज को एक्सेस कर रहा था, तो यहां पर ही दोस्तों आपका यहां पर ही हट चुका है। उसके बाद जाते हैं हम आपको डिजिटल, दो तीन चार करके हम आपको स्टेप दिखा देते हैं। तो बस यहां पर डिस्कनेक्ट करना है, डिस्कनेक्ट करके कन्फर्म कर देना है। तो जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन को लॉग इन करते हैं अपने फेसबुक पे तो वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो जाता है, जिससे कि आपका फेसबुक में ऑटोमेटिक लिंक हो जाता है। जब आप यूज करना छोड़ देते हैं मगर फिर भी ये फेसबुक में ऐड रह जाता है। तो दोस्तों ये चीज ऐड होने के कारण आपका जो डेटा है फेसबुक का, फोटोज वीडियोज कॉन्टैक्ट टोटल चीज ये सिंक्रोनाइज करके आपका डेटा को चोरी कर सकता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको इस चीज को डिलीट कर देना होगा। बस आपको यहां पर ही जाना होगा, जितना भी चीज है यहाँ पर ही डिस्कनेक्ट कर देना हो। तो बस फाइनली दोस्तों ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को रिमूव हो गया, जो भी एक्टिविटीज आपका रिमूव हो गया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो आप तक मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।